बांग्लादेश की पीएम शेख हसीना फिर भारत के दौरे पर पहुंची हैं। हाल के दिनों में देखा जाए तो ये उनका एक ही महीने में दूसरा दौरा है। इससे पहले वो 9 जून को पीएम नरेंद्र मोदी के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने के लिए भारत आई थी और एक बार फिर इस बार वो द्विपक्षीय राजकीय यात्रा के लिए भारत पहुंची हुई हैं। ये 2 दिवसीय यात्रा है और इस दौरे में वो पीएम मोदी के साथ साथ भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़, इसके अलावा विदेश मंत्री एस जयशंकर के साथ मुलाकात करेंगी, द्विपक्षीय बैठकें करेंगी। लेकिन देखिए कि किस अंदाज में शेख हसीना आई और किस तरह का वो बिल्कुल चित परिचित अंदाज जो है उनका, वो तस्वीरों में आपको दिखाई देता है कि किस तरह से शेख हसीना जब भारत आती हैं तो उनके चेहरे पर जो खुशी है वो साफ साफ झलक रही होती है, वो जो कॉन्फिडेंस की हाँ हम एक दूसरे को जानते हैं, ये तस्वीरों में दिखाई दे रहा होता है। वो अपने विमान से आती हैं, उतरती हैं और उसके बाद उनका विदेश राज्य मंत्री स्वागत करते हैं, साथ कई और बड़े अधिकारी वहाँ मौजूद रहते हैं। इसके बाद वो भारत की एक पारंपरिक नृत्य शैली को भी देखती हुई इन तस्वीरों में नजर आती हैं और फिर जब वो देखती हैं और वो आगे अपने रवानगी की तरफ बढ़ती हैं तो उससे पहले वहाँ नृत्य कर रहे लोगों को कहती हैं कि आइए पास में मेरे साथ तस्वीर खिंचवा लीजिए और उसके बाद वो भारी सुरक्षा के बीच वहाँ से रवाना हो जाती हैं। पीएम नरेंद्र मोदी जब से सत्ता में आए हैं उसके बाद से बांग्लादेश के साथ भी रिश्तों में एक अलग लेवल के गर्मजोशी देखने को मिली है। लगातार शेख हसीना भी भारत के साथ मजबूत रणनीतिक संबंध बनाने पर जोर देती रही हैं। बांग्लादेश भारत की नंबर फर्स्ट नीति के तहत एक महत्वपूर्ण साझेदार है और ये सहयोग सुरक्षा, व्यापार, वाणिज्य, ऊर्जा, संपर्क, विज्ञान और तकनीकी रक्षा, समुद्री मामलों के क्षेत्रों तक फैला हुआ है। बांग्लादेश भारत का सबसे बड़ा विकास साझेदार है जिसके लिए भारत ने लाइन ऑफ क्रेडिट के तहत अपनी प्रतिबद्धता जताई है। बांग्लादेश दक्षिण एशिया में भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार है और भारत एशिया में बांग्लादेश का दूसरा सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार। भारत एशिया में बांग्लादेश का सबसे बड़ा एक्सपोर्ट डेस्टिनेशन भी है। 2022-23 में भारत का बांग्लादेशी निर्यात लगभग 2 बिलियन अमेरिकी डॉलर का था और इसी को आगे बढ़ाने के लिए और भारत बांग्लादेश के रिश्तों को और भी ज्यादा मजबूत करने के लिए, सीमा पर और भी ज्यादा सख्ती करने के लिए, अवैध घुसपैठ को रोकने के लिए यह दौरा काफी अहम माना जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।